हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ जी। यहाँ आने के बाद तो मौज ही मौज हो रही है दिल्ली के प्रदूषण बढ़ी वायु से परेशान हो चुका था मैं तो। मैं एक हफ्ते की छुट्टी पे आया हुआ हूँ, जिसमें मैंने पेड़ लगाने के लिए जो भी सपोर्ट हुआ था आप लोगों ने किया है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और भी ज़्यादा पेड़ लगा सकूं हर साल। तो मैं आगे बढ़ता हूं और आता हूं दोस्तों, बाकी मैं दिखाता रहता हूं आपको। ये इधर खेत है, इधर ये आलू लगा हुआ है, किसी ने लगा रखा है। बाकी यहां देखिए दोस्तों, ये भी हम लोगों का है। हमने इसमें जानवर ना जाने के लिए भी सपोर्ट कर रखा है, पर वो किसी काम का नहीं है, टूट चुका है वो पूरी तरह से। बाकी देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पे घना जंगल टाइप का हो रहा है। देखिए ये एक आम का पेड़ है, छुपा हुआ है जो कि झाड़ियों के बीच में। ये भी अपने आप जमा हुआ है दोस्तों, जो पेड़ अपने आप हुए हैं हम उन्हें नहीं बता रहे कि हम उन्हें लगा रहे हैं, जो अपने आप हुए हैं वो अपने आप हुए हैं। ये पेड़ अपने आप हो गया क्योंकि इसके साथ में आम का पेड़ था, आम को पेड़ को हमने सुरक्षित किया तो ये खुद भी खुद सुरक्षित हो गया। बाकी आगे चलते हैं, आपको बैम्बू और बैम्बू के साथ साथ मैं आपको दिखाऊँगा बेल का पेड़ और चिल्वर का पेड़। और देखिए आप आगे कई सारे पेड़ ऐसे हैं जिनके मुझे नाम भी नहीं पता सही से, क्योंकि वो जंगली पेड़ हैं, क्योंकि जंगल में रहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये झाड़ी है किसी चीज़ की, अब मुझे इसका नाम नहीं पता क्या है, पर जो है ठीक है। देखिए आप सबसे पहले देखिए बैम्बू ऐसे होते हैं, रियल में कैसे होते हैं बैम्बू, ये देखिए कि कुछ इस टाइप के होते हैं। इनमें घुसना तो नामुमकिन कहा जाएगा, और इनमें छोटे छोटे जानवर सांप वगैरह होते हैं। देखिए आप, ये है बैम्बू ट्री, ये बड़े वाले बैम्बू ट्री हैं, और इधर अभी ये छोटे छोटे हैं बैम्बू ट्री। यहाँ पे दो नस्ल हैं इनकी, एक है बड़ी वाली और एक है छोटी वाली। इनमें छोटे छोटे बस इतने से ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं जो आप देख रहे हैं अभी, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, बस 10 से 15 फीट तक जाती है, जबकि 60 से 70 फीट इन वालों की जाती है। देख सकते हैं आप इनकी हाइट कितनी ज़्यादा हो रही है, 70 फीट तक ये जाते हैं, 70-80 फीट तक। दोनों का काम सेम है, ऑक्सीजन देते रहना और अपने आप को बढ़ाते रहना। बैम्बू ट्री का एक फ़ायदा ये है, अगर घर के बाहर आप लगाते हो तो उससे क्या होगा कि ये एक पेड़ अगर आप लगाओगे तो ये एक से अपने आप 10-20-100 ऐसे हो जाते हैं, ये बढ़ते रहते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, हमने इनको काटा भी है क्योंकि दूसरे पेड़ को सुरक्षित करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, ताकि दूसरे पेड़ जो हम बाहर साइड में लगा रहे हैं जहाँ पे नील गाय आती हैं भैंसें आती हैं, उनसे बचाने के लिए, बकरियों से बचाने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। जो भी है वो हम क्लियर बताते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया है, पर इनसे एक दो नुकसान से हमें क्या होगा कि और भी फायदा मिलेगा। देखिए ये सब तो पहले के कटे हुए हैं, जो पहले पेड़ लगते थे उनके लिए यूज़ करते थे, पर ये एक ही पेड़ था, एक से कितने हो गए देखिए, पहले ये लगा हुआ था ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ से धीरे धीरे करके यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से धीरे धीरे करके वहाँ पहुँच गया। देखिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पर, देखिए आप लोग, तो मैं जैसा चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको वहाँ पिछले वीडियो में दिखाया कि पेड़ कैसे, मतलब किस जगह पे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके लिए कौन सा पेड़ कौन सही रहेगा, उसके लिए अगर आपके पास बड़ा सा घर है और ज़मीन है बड़ी घर के बाहर, तो आप बैम्बू ट्री भी लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चील था, तो आप लगा सकते हैं उन्हें। ये गजरे तो होते हैं पर इनसे ऑक्सीजन भी बहुत मिलती है,
ज़्यादा बढ़ने लगे तो आप उनको बेच भी सकते हैं। यहाँ हमारे गांव में इनकी कीमत है, एक बाम्बू की कीमत है लगभग 100 रुपये, एक बाम्बू की कीमत 100 रुपये है यहाँ पे मेरे गांव में। बाकी आप बताना कमेंट में कि आपके वहाँ पे बाम्बू की कीमत क्या है और वो कैसे यूज़ होते हैं हमारे लिए। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो पेड़ है, जो सबसे ज़्यादा भारत में और भारत के ऑक्सीजन ट्री में जिनका नाम आता है, आप में सर्च करेंगे तो आपको वो ज़रूर दिखेगा। तो उस पेड़ से आपको मिलाते हैं, ये हमारे ही बाग में है, आप देख सकते हैं इसको। देखिए, ये है हमारा बेल का पेड़, इंडियन बेल, ये है इंडियन बेल। अब मैं आपको दिखाऊंगा इंडियन बेल, इनको लगाने के कितने फ़ायदे हैं, और आपको शहर में आपने देखे भी होंगे जैसा कि, और अभी इसमें फल का भी टाइम है तो फल भी लगे होंगे, आपको दिखाते हैं। तो ऊपर ऊपर फल लगे हुए हैं यार, चलिए ठीक है, देखते हैं। एक ये देखिए छुपा हुआ है यहाँ पे, मैंने देखा नहीं था इसको। ये देखिए ऊपर तो दिख रहे हैं पर वो आपको नहीं दिखेंगे, ये होता है रियल बेल, इंडियन रियल बेल, ऐसे दिखते हैं कुछ। अभी ये बड़ा होगा तो और भी बड़ा दिखेगा, और ये जब ये बड़ा हो जाएगा, पक जाएगा, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, हल्का येलो टाइप में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये बेल का है पेड़ जो मैंने आपको दिखाया, इसमें बेल भी मैंने आपको दिखाई, और ये पेड़ भी अपने आप हुआ है, किसी ने लगाया नहीं इसको, बस हमने इसकी सुरक्षा करी है। तो आप समझ सकते हैं कि पेड़ की सुरक्षा करते रहो, पेड़ अपने आप ही होते रहेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे दो छोटे मोटे टिंगू पेड़, जो बीजू है, जो हम बीज खा के आम की वो लगाते हैं, वो आपको दिखाते हैं। इसमें दो पेड़ हैं, देखिए दो तीन है इसमें, इसमें चार पेड़ दिख रहे हैं, सॉरी तीन नहीं है, चार है। इसमें चार जामुन के पेड़ हैं और एक आम का पेड़ है, ये देखिए। अभी ये छोटा मोटा टिंगू है, तो ये बचे इसलिए हुए हैं क्योंकि इनको हमने घेराबंदी कर रखा है। देखिए यहाँ पे झाड़ लगा रखी है बहुत सारी, ताकि कोई भी जानवर अंदर ना आ पाए। ठीक, पानी देने का साधन, बोतल पड़ी हुई है यहाँ पे। तो दोस्तों, यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करते रहें हमें, ताकि हम और भी ज़्यादा पेड़ लगा सकें। ये देखिए, जो बुखार में काम आती है हमारे, वो है ये, यहाँ पे अपने आप हो जाती हैं, इनको लगाना नहीं पड़ता। लोग शहरों में, अभी जब कोरोना का टाइम हुआ था, तो इसको बहुत ही महंगे महंगे मिल रहे थे ये पत्ते, जो कि बुखार के उसमें काम आते हैं। अब इनमें चार पेड़ हैं, इनमें से एक दो पेड़ हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि जब ये बड़े होंगे तो आपस में इनको नुकसान हो जाएगा, इनको अलग करना ही पड़ेगा। और ये रहा हमारा सफेदा का पेड़, ये पेड़ मैंने ही लगाया था, पर मुझे जब पता नहीं था ये पेड़ इंडिया में बैन है। ठीक, तो अभी ये हमारे इंडिया में इन पेड़ों को बैन कर दिया है।